यार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से कभी ज़िंदगी में आपने पढ़ा ही नहीं होगा। वो आपकी बुक में मौजूद है, सिंध बोर्ड की बुक में मौजूद है, डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा। वो टॉपिक फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, सॉरी सेकेंड ईयर चैप्टर 1 के अंदर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 जो ग्राफ वाला था, और चैप्टर नंबर 13 जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का था। टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज। अभी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना मुश्किल है समझाने के लिए, मुश्किल इसलिए क्योंकि आपने पहले समझा हुआ नहीं है। ये बातें कुछ आपने पहले पढ़ी भी होंगी, लेकिन ये बातें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। मेरा एक लेक्चर है जो अच्छी क्वालिटी से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो मेरे पुराने बैचेस का है। दो वीडियो हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ आने चाहिए। अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं कि sec x का मुझे कोई ग्राफ बताओ, तो आप में से किसी एक स्टूडेंट को भी sec x का ग्राफ याद नहीं होगा, ये शर्त है, ठीक है। तो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, उन ग्राफ से आपने उनकी डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है, क्योंकि आप रट्टा नहीं मार सकते। अगर आपको शौक हो रट्टा मारने का, तो ज़रा मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप आ जाना अपनी सेकेंड ईयर की बुक पे, पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 में टोटल 12 क्वांटिटीज़ हैं, नहीं 24 क्वांटिटीज़ हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन 6 और रेंज 6, तो 12 चीज़ें याद करनी है। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 6 डोमेन और 6 रेंज, तो ये 24 चीज़ें आपने याद करनी है। अगर आपका रट्टा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, तो आप कर लो, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। वो वीडियो जो है वो इंशाल्लाह जब मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, इसके बाद मैं वही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो दो वीडियोस थी, मैं उसको कंबाइन करके एक ही कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद वो हाइपरबोलिक फंक्शन थे, वो फेडरल का टॉपिक है, तो मैं उसको कंबाइन करके एक ही वीडियो होगी तकरीबन 50-55 मिनट की। उसको देख लेना, समझ आ जाएगा, वरना ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो टॉपिक जो है वो क्रैश कोर्स में कोई भी नहीं करवाता, वैसे भी नहीं करवाते, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका ये पॉइंट लास्ट में निकल जाता है। एनडी में मैं कितने देखें, आप चैप्टर 11 13 के पास पर उठा लेना, एक सवाल लाजमी डोमेन का होगा, डोमेन या रेंज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या इनवर्स की। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। रट्टे मारना बड़ा मुश्किल है, मैंने बताया 24 चीज़ों के रट्टे नहीं मार सकते आप। तो वो टॉपिक चैप्टर नंबर 1 भी है, सेकंड ईयर के अंदर भी है, और फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो एक दफ़ा कर लोगे तो ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं जब लेक्चर अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना, तो आप लोगों को इशू नहीं होगा उसके अंदर। और फिर अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग लाइव क्लास में आके मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं कोड भेज दूंगा। स्टूडेंट कह रहा है कि सर कोड भी भेजा करें। चैप्टर नंबर 1 में फंक्शन का पोर्शन जो है वो काफ़ी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 20 मिनट और फंक्शन का टॉपिक है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर हम ब्रेक लेंगे थोड़ी सी। टाइप्स आपने डिटेल में डिस्कस कर ली है। इन टाइप्स से रिलेटेड दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज। मेजॉरिटी आप चैप्टर 1 में फंक्शन से रिलेटेड सवाल देखोगे, उसमें उन्होंने पूछा होगा डोमेन और रेंज बताओ, मॉडुलस फंक्शन की, लॉगरिथमिक की, क्यूबिक की, क्वाड्रेटिक, ये तो चलो ईजी होती हैं काफ़ी, लेकिन काफ़ी आपके फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूछ लेंगे, ग्राफ आपसे पूछ लेंगे, ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और कुछ आपने शुरू में पढ़ी थी टाइप्स, ऑन टू इन टू फंक्शन, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके सब सिंध बोर्ड का कोर्स है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया अभी तक आप लोगों को, ज़रूरत भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाने की, ठीक है। अब आखिरी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है फंक्शन से रिलेटेड। एक होता है क्या कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, और फिर इनवर्स फंक्शन पढ़ लेंगे। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन भी बोला जाता है यार इसको, कि फंक्शन की आप कंपोजिशन करते हो। मतलब क्या होता है, ज़रा मतलब समझ लेते हैं इसको। मतलब ये कि कंसीडर कर लो आपके पास भाई दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। अगर आप एक फंक्शन का, अच्छा पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इनपुट और आउटपुट किस तरह शो करोगे आप। ये जो आप एक्स पुट करते हो ना, ये इनपुट होता है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ रहा है वो इनपुट है, इसी तरह यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ रहा है वो इनपुट है। जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको आप आउटपुट बोलते हो। मतलब लेट कर लो आपने एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनपुट आपने किया 2, ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है ना 4, ये किसका होता है, ये एफ ऑफ 2 का होता है। मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है ये आउटपुट को शो करती है,
और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये इनपुट को शो करती है। ये आपके पहले जहन में होना चाहिए। तो कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाता है। जैसे मेरे पास कंसीडर कर लो g है, अब ये g ऑफ x जो है ये पूरा आउटपुट है g फंक्शन का। अगर मैं इस पूरे आउटपुट को इनपुट बना दूं f फंक्शन का, जैसे f फंक्शन का इनपुट अंदर होगा तो मैं इसके इनपुट में पुट कर देता हूं g ऑफ x, तो अब जो मेरे पास फंक्शन आएगा इसको मैं बोलूंगा कंपोजिट फंक्शन। तो एक फंक्शन के आउटपुट को मैंने उठा के दूसरे फंक्शन के इनपुट में पुट कर दिया, तो इस वाले फंक्शन को आप बोलोगे कंपोजिट फंक्शन। एफ ऑफ, इसको पढ़ते किस तरीके से हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और लिखोगे कैसे, इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दो लिखने के तरीके होते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है और दूसरे तरीके से भी कंपोजिशन हो सकती है कि आप जी के अंदर ये एफ ऑफ एक्स को पुट कर दो, तो इसमें लिखने का तरीका हो जाएगा जी डॉट एफ, ठीक है। और याद रखना, जनरली मैं जनरली बात कर रहा हूं अभी कि एफ डॉट जी नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ। जैसे अगर आप जनरली बात करो मैट्रिसेस में, आप बात करते थे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव ये ऑर्डर का मसला होता है कि अगर मैं आपको बोलूं दो मैट्रिसेस हैं ए बी, कभी भी बराबर नहीं होती बी ए की। जनरली अगर मैं बात करूं, कुछ स्पेसिफिक केस हैं जिसमें बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली ए बी बी ए के बराबर नहीं होता था मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरह कुछ केसेस में ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरलाइज बात करो तो एफ डॉट जी कभी भी जी डॉट एफ के बराबर नहीं होता। यार ये प्रॉपर एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैंने बताया कि मैं एक चीज को दोबारा नहीं बोलूंगा जो मैं नॉलेज बता रहा हूं, अब ये इस कोर्स के अंदर है, क्योंकि ये मुझे टाइम लग जाएगा, आप लोगों को शायद इस बात समझ नहीं आएगी, अभी हम पीछे चल रहे हैं क्योंकि मैं काफी डिटेल में जा रहा हूं, इतना डिटेल में कोई भी नहीं जाता। तो ये मैंने जो आपको बात बताई है ना कि एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, ये प्रॉपरली एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो मेरी मजबूरी समझ लो। कल भी मैंने बात बोली थी कि मैं इस बात को दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो असल चीज़ है जो आपने सवाल में सॉल्व करनी है वो ये है, और असल एग्जांपल्स हैं जो इसकी आती हैं। तो मेरा मकसद आप लोगों को फिलहाल एग्जांपल्स करवाना है, ये एक डेढ़ महीने के कोर्स में मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं कर सकता, तो मेरी तरफ से माजरत। एग्जांपल्स पे आ जाओ जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पहली दफ़ा भी इतनी डिटेल से बता देता हूँ कि मेजॉरिटी आई गेस पिक कर लेते हैं बात को। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना अजीब सा बताया कि किसी को समझ नहीं आया, मैं काफ़ी इजी तरीके से बता रहा होता हूँ, लेकिन स्टिल यार मैं फिर भी बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। कंसिडर कर लो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, और जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस वन। अब डिफरेंट चीज़ें आपको निकालने के लिए दे सकते हैं वो, लेट कर लो आपको वो बोलें। अच्छा देखो, कंपोजिट फंक्शन के तीन टाइप के सवाल आते हैं, मैं तीनों सवाल जो है वो आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। पहला सवाल तो ये होता है कि वो आपको फंक्शन देते हैं, आपको मतलब दोनों फंक्शन दे देते हैं और आपसे कंपोजिट फंक्शन मालूम करने को बोलते हैं, आपसे बोलते हैं कि एफ डॉट जी निकालो। तो आप किस तरह निकालोगे, मतलब आपने एफ के इनपुट में जी पुट करना है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ डॉट जी को आप किस तरह लिख सकते हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आपने करना ये है कि जो एफ फंक्शन आपको नजर आ रहा है इसमें जहां जहां भी एक्स है, देखो x जो है वो एक जस उसने जगह घेरी हुई है, x की अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, x का मतलब आपने यहाँ पे इनपुट करना है। तो f फंक्शन में जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे आप कोई भी इनपुट कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट क्या है, g, आपने f के अंदर क्या पुट करना है, g फंक्शन पुट करना है। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप g पुट कर दो। तो सबसे पहले तो ये जो x नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप g पुट कर दो, तो x की जगह g पुट कर दो, स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर यहां पे आपको x नजर आ रहा है, यहां पे भी आप g पुट कर दो प्लस 4। तो जहां जहां x नजर आ रहा था यहां पे इनपुट g है, वहां वहां पे आपने g पुट कर दिया। उसके बाद किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये पूरा सवाल बना ना आपका। अब आप g की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू क्या है, g ऑफ x बराबर है x प्लस 1 के, तो इधर भी g की जगह आ जाएगा x प्लस वन, उसका स्क्वायर कर दो। इसी तरह यहाँ पे भी g की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वन, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस फोर जो है ये अपनी जगह पे। दोबारा बता दूं कि अगर आपको f ऑफ g निकालना है, मतलब f के इनपुट में g पुट करना है, तो f फंक्शन में जहाँ जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप g पुट कर दो।
और लेट कर लो अगर यहाँ पे आपको जी डॉट एफ निकालना होता तो अब आप जी के इनपुट में एफ पुट करते, तो जहां पे भी आपको जी में एक्स नजर आता वहां पे आप एफ पुट कर देते, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस फोर। सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंपोजिट फंक्शन एफ डॉट जी। अब होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप जी डॉट एफ निकाल के देख लेना, ये बुक का क्वेश्चन है, आंसर भी मैच कर सकते हो। तो एफ डॉट जी ये आ गया, आप लोग जी डॉट एफ निकाल के देख लेना। तो एक किस्म के सवाल तो ये आते हैं कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। अब मैं ज़रा दूसरी किस्म का सवाल बता देता हूँ। दूसरी किस्म का सवाल ये है, और ये एनडी के पास पेपर में भी आया हुआ है, ये है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर के। अब आपको वो कंपोजिट फंक्शन दे रहे हैं, अब उन्होंने आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे दी है जो कि बराबर है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स के, और आपको जी ऑफ एक्स निकालना है। देखो तीन जो सवाल है ना वो इस टाइप के होते हैं। पहला सवाल तो आपने कर लिया कि आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे, आपको कंपोजिट निकालना होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि आपको, अच्छा इसमें दो टर्मिनोलॉजी भी हम यूज़ करते हैं, आउटसाइड और इनसाइड फंक्शन। ये जो अंदर आता है ये इनसाइड होगा, बाहर जो आता है ये आउटसाइड होता है। तो अगर आप इसको गौर से देखो, अब आपको जो इनसाइड फंक्शन है वो निकालना है। इनसाइड फंक्शन मतलब आपको जी निकालना है, और एफ जो आउटसाइड फंक्शन है वो आपको गिवन है। तो आपको आउटसाइड फंक्शन गिवन है, आपको कंपोजिट फंक्शन गिवन है, और यहाँ पर आपको निकालना है इनसाइड फंक्शन। तो जब भी आप इनसाइड फंक्शन निकालोगे तो ये वाली टेक्निक होगी, टेक्निक आपने सीखनी है। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल होंगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। टेक्निक क्या होगी, टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को कंसीडर करो। एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर के। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, एफ के अंदर आप क्या पुट करते हो, जी पुट करते हो। तो आप इस पूरे एफ के अंदर जी पुट कर दो, तो यहाँ पे एक्स की जगह जी आ जाएगा। अच्छा इधर भी एक्स की जगह जी आ जाएगा और माइनस फोर अपनी जगह पे। तो जहाँ पे एफ में एक्स लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने जी पुट कर दिया। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की सवाल में वैल्यू गिवन है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है और यहाँ पे माइनस फोर मौजूद है। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर को किस तरह लिखोगे, माइनस फोर को इधर ले आओ, तो माइनस फोर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप दोनों तरफ रूट ले लो, यहाँ पे रूट आ जाएगा और ये आ जाएगी जी ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ आया आप लोगों को कि जब आपको इनसाइड फंक्शन निकालना है तो सबसे पहले एफ कंसीडर करना, उसके अंदर जी पुट करना, फिर वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई करके आप जी फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेना। तो ये दूसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल में पढ़ेंगे कि अगर आपको आउटसाइड फंक्शन निकालना है जो कि मुश्किल प्रोसेस है, वो किस तरह निकालोगे। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, और अगर मैं बताऊं सवाल पूछने का तरीका भी होता है। सवाल पूछने का तरीका ये होता है कि सर हमें बता दें कि इस स्टेप में मसला आ रहा है। स्टूडेंट नॉर्मली कहते हैं कि सर पूरा बता दें, एक दफा रिवाइज कर दें। तो रिवाइज करने में तो आपको पूरा प्रोसेस रिवाइज करना पड़ जाता है। तो अगर आपको किसी स्टेप में मसला हो रहा है तो आप बोलो सर ये वाला स्टेप मुझे दोबारा बता दें, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। तो फिर उसमें टाइम भी हमारा कम लगता है। एनी क्वेश्चंस? पहले मुझे बताओ कौन सी एग्जांपल की बात कर रहे हो। मतलब जी का भी मतलब यार खाली जी की कोई सेंस नहीं बनेगी ना। मतलब खाली जी का मतलब क्या, अगर मैं एक्स ना पुट करूं ये क्या जी क्या लिखा हुआ है, ये तो सेंस नहीं बनती ना। फंक्शन के अंदर आप ये लिखते हो कि फंक्शन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। तो जब मैं बात जी की बोल रहा हूँ ना, जी का मतलब कि फंक्शन का नाम जी है ना, तो लिखोगे खाली जी थोड़ी ना लिखोगे आप, मतलब जी की थोड़ी सेंस नहीं बनेगी। जल्दी में मैं जी बोलता हूँ मतलब जी ऑफ एक्स ही आपको पुट करना है। खाली जी पुट करके क्या करोगे, जी की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे ये जी की वैल्यू तो नहीं गिवन थी ना, आपको जी ऑफ एक्स गिवन था। बात एक ही है लेकिन जी किसी एक्स पे डिपेंड करेगा ना, तो प्रॉपर नोटेशन क्या होती है, जी ऑफ एक्स आप लिखते हो। सर अनीस हुसैन प्रैक्टिस बुक विल बी इनफ। अनीस हुसैन प्रैक्टिस बुक, यार अनीस हुसैन की जो
नहीं, अनीस हुसैन की प्रैक्टिस बुक इनफ नहीं, बल्कि करना भी नहीं उसको। उनकी जो एक बुक है नस के नाम से, उसको तो मतलब छूना भी नहीं आप, बड़े मुश्किल उसमें एमसीक्यूज हैं। उनकी एक बुक है ई कैट के नाम से, तो अगर ई कैट की बुक करना चाह रहे हो वो सही है, उसमें आपको एमसीक्यूज अच्छे मिलेंगे जो एनईडी के लिए है। दूसरी वाली बुक को सॉल्व भी करने की कोशिश मत करना, वरना कन्फ्यूज जाओगे। अच्छा, अब आखिरी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें आपको आउटसाइड फंक्शन निकालना हो। कंपोजिट फंक्शन गिवन है, इस कंपोजिट फंक्शन में आपको इनसाइड फंक्शन गिवन है जी, और अब आपको निकालना है आउटसाइड फंक्शन। ठीक है, तो इस वाले मेथड में आप क्या करते हो, इस वाले मेथड में आप कंपोजिट फंक्शन को लेट करते हो। तो आप कंसीडर करो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये जो कंपोजिट फंक्शन में जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है ना सवाल में एक्स प्लस थ्री, तो आप इस जी ऑफ एक्स की जगह पुट कर दो एक्स प्लस थ्री। सिर्फ जी ऑफ एक्स की आपने वैल्यू पुट की है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जहां जी ऑफ एक्स आ रहा था उसकी जगह आपने पुट कर दिया एक्स प्लस थ्री। अब ये जो आपको पूरा फंक्शन मिल रहा है ना, ये एफ ऑफ एक्स नहीं मिल रहा आपको, एफ ऑफ एक्स निकालना है, ये आपको मिल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री आपको मिल रहा है। आपने यहां पे निकालना होगा एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे? देखो, मैंने अभी बीच में एक बात बोली थी कि जो एक्स जो है ये एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर का मतलब होता है उसने बस जगह घेरी हुई है, उसकी अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं इस जी ऑफ एक्स को इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं x की जगह v लिख दूं। नॉर्मली हम x यूज करते हैं x और y, लेकिन किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। आपने एक वेरिएबल यूज करना है, अलजबरा में आपने पढ़ा है वेरिएबल, आप कोई भी यूज कर लो, कोई भी अल्फाबेट ले लो, ठीक है, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। अब अगर आपका फंक्शन आपको निकालनी है ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लेट कर लो आपके पास एफ ऑफ वी की वैल्यू आ जाए या एफ ऑफ यू की वैल्यू आ जाए, वेरिएबल हम चेंज करके यू कर देते हैं, तो जो एफ ऑफ यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, उससे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मतलब मसला क्या है, अगर आपने एफ ऑफ यू की वैल्यू निकाली, यू की जगह एक्स लिख देना, आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद हम करते क्या है कि जो पूरी लिखा हुआ है ना एक्स के अंदर, इसको आपने सिंगल बनाना होता है। जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ना, कुछ सिंगल हो जाए, एक्स हो जाए, यू हो जाए, वी हो जाए, कुछ सिंगल आपने करना होता है। तो आप यहाँ पे लेट करते हो कि पूरी चीज जो है कंसिडर कर लो यू के बराबर है, तो आप लेट कर लो एक्स प्लस थ्री जो है वो यू के बराबर है। अब पूरे फंक्शन को आप u की फॉर्म में चेंज करोगे ना, तो अगर u बराबर x प्लस थ्री के, तो x की वैल्यू निकालो, 3 को तो ले जाओ, x बराबर हो जाएगा u माइनस थ्री के। तो अब आप फंक्शन को चेंज कर दो, x प्लस थ्री की जगह आप लिखो u, और यहाँ पे है x का स्क्वायर, x बराबर है u माइनस थ्री के, तो आप कर दो u माइनस थ्री का स्क्वायर। मतलब इधर x की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी u माइनस थ्री और होल स्क्वायर कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ यू। अब आपको निकालना क्या था, एफ ऑफ एक्स निकालना था, तो यू की कोई अपनी औकात नहीं है, आप इसकी जगह एक्स लिख दो, कोई रोकेगा नहीं आपको, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये प्रोसेस होगा जब आपको आउटसाइड फंक्शन निकालना होगा। आप कंपोजिट फंक्शन को लेट करोगे, पुट करोगे, इस तरह सॉल्व करोगे, आपके पास आउटसाइड फंक्शन जो है वो आसानी से आ जाएगा। बाकी कुछ मजीद एग्जाम्पल होंगी एनईडी के पास पेपर्स में, मैं एक और करवा देता हूँ, बाकी आप लोग वहाँ पे भी देख लेना। ये काफ़ी मैंने करवा दी हैं, इससे कोई हटके नहीं आती। इस टाइप का भी सवाल आ सकता है कि वो आपको एफ ऑफ एक्स दे दें और आपको बोला जाए कि आप ये निकालो एफ डॉट एफ। मतलब आपने एक फंक्शन का अपने आप से ही कंपोजिशन निकालनी है, तो एफ डॉट एफ को आप किस तरह लिख सकते हो? एफ डॉट एफ बराबर होता है एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ के अंदर ही आपने एफ पुट करना है। जैसे f डॉट g का मतलब होता था f ऑफ g ऑफ x, इसी तरह f डॉट f का मतलब होगा f डॉट सॉरी f ऑफ x, मतलब f के अंदर आप f को ही पुट कर दो। तो सिंपल सी बात है, ये f फंक्शन है, इधर x लिखा हुआ है, अगर इधर x की जगह पे मैं f ऑफ x पुट करूं
तो यहां पे भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और इधर भी एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इस एफ फंक्शन में जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पे आप पुट कर दो एफ ऑफ एक्स। तो इस जगह पे तो आपने ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स पुट किया हुआ है, यहां पे भी आपको एक्स नजर आ रहा है तो यहां पे भी मैंने एफ ऑफ एक्स पुट कर लिया है। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स, एफ फंक्शन के अंदर आपने इस एफ ऑफ एक्स को एक्स की जगह पे पुट कर दिया है। उसके बाद आप कैसे सॉल्व करोगे भाई? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है ना किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट कर दो। सबसे पहले आपने क्या किया कि जो एफ फंक्शन है आपने इसके एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया जहां जहां एक्स नजर आ रहा था। उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट कर दी। अब आप इसको सॉल्व कर लो और ये आपका आंसर आ जाएगा बस। तो इस टाइप का सवाल भी आ सकता है कि आपने एक फंक्शन की अपने आप से ही कंपोजिशन मालूम करनी है। कंपोजिट फंक्शन का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी टॉपिक है हमारा और वो है इनवर्स फंक्शन का, उसको भी जरा देख लेते हैं। अगर आप पूरे कोर्स को देखो ना तो पूरे कोर्स में आपको हार्डली कुछ टॉपिक मिलेंगे, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन का कोई टॉपिक है, अच्छा चैप्टर नंबर टू स्ट्रेट लाइन के एक दो टॉपिक हैं जिसको कोई वाकई शॉर्ट ट्रिक मौजूद है जो आपको काम करेगी। वरना अगर हर फंक्शन में आप हर सवाल में शॉर्ट ट्रिक ढूंढोगे नहीं मिलेगी आपको शॉर्ट ट्रिक, मतलब कहाँ से आएंगी। और कुछ लोग देखो मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने शॉर्ट ट्रिक बता दिए, मकसद ये कि स्टूडेंट अब्जॉर्ब भी कर ले, स्टूडेंट ने क्या क्या याद करना है, वो क्वेश्चंस को भी देखे, वो मेथड को भी देखे, वो ट्रिक को भी याद करे पूरा। तो मेरी ये तरीका होता है कि जो ट्रिक आपको ज़रूरी है वही आपको मैं बताऊँ, हर चीज़ की ट्रिक बता के कन्फ्यूज ना कर दूँ कि आपको हर चीज़ याद करनी पड़ जाए ट्रिक के अंदर। तो जिन टॉपिक के अंदर होगा बड़े सवाल, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मैंने एग्जांपल दी है, उसका डीआई मेथड है जो कि बहुत शॉर्ट वर्जन है उसका, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह एडजॉइंट, उसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से, वो तो खैर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है आसानी से कर लोगे। तो जिन टॉपिक की ज़रूरत होगी मैं बताऊँगा, लेकिन ये नहीं कि आप फुल टाइम ट्रिक ही डिस्कस कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आखिरी टॉपिक है आपका इनवर्स फंक्शन का। सवाल ये कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। अगर आपके पास एक फंक्शन मौजूद है और आपने उसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि कंसीडर कर लो एक फंक्शन है जिसको मैं ये टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, राइट, कर लो 1, 2, 2, 3, 4, 5 कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इनवर्स फंक्शन प्रोसेस को रिवर्स कर देता है। जैसे एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने डोमेन पुट की, मतलब कोई वैल्यू मैंने पुट की और मुझे आंसर में कोई आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो ये मेरे पास नॉर्मल था, जैसे मैंने 1 पुट किया और मुझे 2 मिल गया। इनवर्स फंक्शन ऐसा होता है कि जिसके अंदर मैं 2 पुट करूंगा मुझे वो 1 दे देगा, मतलब पहले मैंने 1 पुट किया था मुझे 2 मिला, इनवर्स के अंदर अगर आप 2 पुट करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, मतलब वो प्रोसेस को पूरा रिवर्स कर देता है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो और आपको बोला जाए कि आप इसका इनवर्स फंक्शन निकालो, तो सिंपल अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इनवर्स किस तरह निकालोगे, आप इनको इंटरचेंज कर दोगे, आप डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करोगे, 1, 2 बराबर हो जाएगा 2, 1 के, 2, 3 बराबर हो जाएगा 3, 2 और ये हो जाएगा 5, 4, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो अगर ये फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। यार हाइपरबोलिक सिंध बोर्ड की बुक में आपको नहीं नजर आएंगे, अगर नजर आएंगे तो मुझे बता देना। सिंध बोर्ड में हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं मौजूद, वो पंजाब बोर्ड के। तो अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में आ रहा है फंक्शन और आपने उसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो मेथड मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। अच्छा, इसके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। मेन पॉइंट्स क्या होंगे, वो बोलेंगे कि जो फंक्शन की डोमेन है, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, इस फंक्शन की डोमेन क्या आ रही थी, 1, 2, 4, तो डोमेन है 1, 2, 4, और रेंज अगर आप यहाँ पे निकालो तो 2, 3, 5 इसकी रेंज है। आप इनवर्स फंक्शन पे आ जाओ, इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या है यहाँ पे, 2, 3, 5 और रेंज क्या है, 1, 2, 4। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि जो डोमेन है फंक्शन की
वो रेंज बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की। देखो जो इसकी डोमेन है वो रेंज है इनवर्स फंक्शन की, और जो इसकी रेंज है वो बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की डोमेन। तो ये एमसीक्यू इस तरह पूछ सकते हैं कि भाई एक फंक्शन की डोमेन वो इनवर्स की क्या होगी, वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी, और एक फंक्शन की रेंज वो डोमेन बन जाएगी इनवर्स की। ठीक है, अब यहां पे एक और पॉइंट है इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं जनरली बात करूं तो जितने भी वन टू वन फंक्शन होते हैं, वन टू वन फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो भी फंक्शन होता है। मतलब अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि उसका इनवर्स जो है वो भी फंक्शन हो। जैसे एक फंक्शन में एग्जाम्पल देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप लोग, मैं मेथड बताऊंगा किस तरह इनवर्स निकालना है, जरा उस मेथड से इसका इनवर्स निकालना और आप ऑब्जर्व करोगे जो आपके पास इनवर्स आ रहा होगा ना वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा, क्योंकि उसमें एक एक्स की वैल्यू पे आपको दो आंसर मिल रहे होंगे। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन है आपने उसका इनवर्स निकाला तो उसका इनवर्स भी क्या हो गया, फंक्शन हो गया, जरूरी नहीं होता। जितने भी वन टू वन फंक्शन है उसमें यह जरूरी होता है कि उनका जो इनवर्स है वो भी क्या होगा, फंक्शन होगा। ये बात जनरली बोली जाती है। अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूं तो जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, क्योंकि वन टू वन में भी एक मसला आता है, लेकिन जनरली हम वन टू वन फंक्शन बोल देते हैं। मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूं कि अगर एमसीक्यूज में दोनों में से कोई भी हो, अगर दोनों मौजूद हो तो बाइजेक्टिव राइट आंसर है, लेकिन अगर कोई एक मौजूद हो तो वो उसका राइट हो जाएगा। कि जितने भी वन टू वन फंक्शन है या जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है उनका अगर आप इनवर्स निकालोगे तो फंक्शन होगा। बाकी कोई भी फंक्शन है, जैसे ऑन टू फंक्शन हो गया, इन टू फंक्शन हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया, उनके जब आप इनवर्स निकालोगे तो वो फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक कोई बात, कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो इसकी एग्जांपल मैं टेबुलर फॉर्म से जरा तुम्हें देता हूं, फिर आइडिया होगा। इसको आप प्योर मैथमेटिक्स में चीज बोलते हो। प्योर मैथमेटिक्स में जब आप थ्योरम कोई सॉल्व करते हो ना, कोई प्रूफ करते हो, तो उसमें होता ही है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट प्रूफ करनी है तो प्रूफ करने का एक तरीका ये होता है कि आप जो उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको गलत साबित कर दो तो पहली वाली पॉसिबिलिटी ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर आपको प्रूफ करना है कि वन टू वन फंक्शन का इनवर्स अगर निकालो तो वो फंक्शन होगा, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, कोई ऐसा फंक्शन लेट करो जो वन टू वन ना हो, तो देखना जब आप उसका इनवर्स निकालोगे वो फंक्शन नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बताना जरा ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, पहला सवाल। फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? ये असल सवाल है, फंक्शन क्यों नहीं है ये? डोमेन में क्या हो रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है जिसने ये बोला है कि फंक्शन है भाई, सिंपल सी बात है, इसकी कोई एक्स वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, तो ये फंक्शन है। अब जो सवाल ये है कि क्या ये वन टू वन फंक्शन है या नहीं है, तो ये वन टू वन है, इसका मतलब ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो देखना इसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, करके देख लेते हैं। इसका जरा आप इनवर्स निकालो, ये फंक्शन है और इनवर्स को मैं शो नहीं कर रहा क्योंकि इनवर्स इसका फंक्शन नहीं होगा। लेट कर लो मैं आर, इसको रिलेशन ही बोल देते हैं क्योंकि रिलेशन भी फंक्शन हो सकता है ना। इसका जरा मैं इनवर्स निकालता हूँ। वन टू किस तरह लिख सकते हो, टू वन, टू थ्री क्या हो जाएगा, थ्री टू, और थ्री टू क्या हो जाएगा, टू थ्री। अब मुझे कि बच्चा बताए कि जो मैंने इनवर्स निकाला है क्या ये फंक्शन है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो आई गेस आपने सवाल पूछा था, किसी ने पूछा था, उसको जवाब मिल गया होगा कि ये एक वन टू वन फंक्शन नहीं था, तो आपने इसका इनवर्स निकाला तो देखो इनवर्स भी फंक्शन नहीं है। तो जितने वन टू वन फंक्शन है उनका इनवर्स निकालोगे तभी वो फंक्शन आएंगे, बाकी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे वो रिलेशन तो होगा लेकिन वो फंक्शन नहीं बोलोगे आप उसको। और जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल दी थी वन टू वन फंक्शन की थी, अगर आप इसमें देखो ये फंक्शन भी है और वन टू वन भी है, तभी इसका इनवर्स जो था वो भी फंक्शन था।
तो दोनों एग्जाम्पल आप ही कवर हो गई हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आखिरी बात है, अच्छा उससे पहले एक और पॉइंट मैं बता दूं कि इनवर्स की नोटेशन ये होती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ इनवर्स एक्स। और याद रखना ये माइनस वन खुदा का वास्ते गलती नहीं करना, ये माइनस वन पावर नहीं है इसकी। स्टूडेंट आमतौर पर इसको इस तरह भी समझते हैं कि एफ ऑफ माइनस इनवर्स मतलब ये इसके बराबर होगा, उनका आर्गुमेंट ये होता है कि ऊपर इसकी पावर माइनस वन है, अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो भाई ये पावर नहीं है, माइनस वन यहाँ पे पावर नहीं है, माइनस वन इनवर्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस माइनस को आप पावर नहीं ले लेना वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो कभी भी ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती। अब बस मैं आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनवर्स निकालोगे, उसी में एग्जाम्पल भी आ जाएगी, तो ज़रा देख लेते हैं उसको। अच्छा जी भाई एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन की, 2x-3। अगर आपने इसका इन्वर्स निकालना है इस नोटेशन में, तो आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्स किस तरह निकालना है, इसमें भी जरा देख लो। सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिखोगे, सबसे पहला काम। सेकंड स्टेप, आप वाई और एक्स को इंटरचेंज कर दो, जहां पे वाई है वहां पे एक्स पुट कर दो, जहां पे एक्स है वहां पे वाई पुट कर दो। तीसरा स्टेप, y के लिए सॉल्व करो। y के लिए सॉल्व कैसे करोगे, 2y को इधर रहने दो, -3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में y बराबर हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। और चौथा स्टेप होगा कि y की जगह आप लिख दो f ऑफ इनवर्स। जरा देखो ये प्रोसेस होता है इनवर्स मालूम करने का। सबसे पहले f ऑफ x की जगह y लिखा, फिर आपने x और y को इंटरचेंज किया, फिर आपने y के लिए सॉल्व किया, तो बस आपके पास क्या आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। तो 2x-3 जो फंक्शन है इसका इनवर्स क्या है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। और इनवर्स अगर आपने चेक करना है तो बहुत इजी मेथड है। किस तरह चेक करोगे, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। आप अगर यहाँ पे पुट करोगे ना x इक्वल टू 3, तो आंसर आपको मिलेगा 3 मिलेगा आई गेस। जब आप 3 पुट करोगे, हाँ नहीं थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, अगर यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1। आप क्या करना, आप इस फंक्शन में 1 पुट करना, तो देखना आंसर आपको 2 मिल जाएगा। 1 प्लस 3 4, 4 डिवाइड बाय 2, 2 के बराबर है। तो इसमें 2 पुट किया आंसर 1 आया, इसके अंदर 1 पुट किया आंसर 2 आ गया। तो दिखने में आपको लग जाएगा कि एक इनवर्स फंक्शन है। मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि फिर बात ही खत्म हो जाए। यही एग्जाम्पल है असल में, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, बस सवाल ही दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो बराबर है 4x प्लस 2 के, और फाइंड करो एफ ऑफ इनवर्स 2। तो अलग से नहीं करवाता, यहीं पे समझ लो कि लेट कर लो, अगर आपको बोला जाए एफ ऑफ इनवर्स 2 निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सबसे पहले आप इनवर्स फंक्शन निकालो, जो भी इनवर्स फंक्शन आ जाए उसके अंदर आप 2 पुट कर दो, या उसके अंदर आप 3 पुट कर दो, जो भी सवाल है बोला जाएगा। तो लेट कर लो यही सवाल अगर इसके अंदर आता कि ये फंक्शन है और आप यहाँ पे निकालो एफ ऑफ इनवर्स 2, तो आप क्या करते, सबसे पहले आपने इनवर्स निकाल लिया, अब इनवर्स के अंदर x की जगह आप क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो इस तरीके से भी आ सकता है ये सवाल, कंपोजिट के अंदर भी आ सकता है कि अगर आपको बोले ये चीज निकालो एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपोजिट निकालना, जो भी कंपोजिट फंक्शन आएगा उसमें x की जगह 2 पुट कर देना, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 आ जाएगा।